एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रेफरेंस नंबर कैसे प्रिंट करें। ये रेफरेंस नंबर कभी बात करें प्रिंट होकर नहीं आता है तो उसके लिए बहुत परेशानी होती है, और अगर आप चाहते हैं कि रेफरेंस नंबर हम कैसे प्रिंट करें तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, और एट लास्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रेफरेंस नंबर हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से वी बटन प्रेस कीजिए, हम आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है, अभी हमको कहाँ जाना है, अभी हमें जाना है परचेस वाउचर में। तो F9 प्रेस कीजिए, परचेस वाउचर में आ जाइए। यहाँ मैंने वाउचर टाइप बना रखा है, परचेस चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर मैं देता हूँ 1000, ये इनवॉइस नंबर है सप्लायर का। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर कोई एक पार्टी का नाम क्रेडिटर पार्टी होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक क्रेडिटर पार्टी का लेजर हम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने लोकेश। ठीक है, ये क्रेडिटर पार्टी होगी, तो पहचान के लिए यहाँ सी दे देता हूँ ताकि आसानी से ये पहचान में आ जाएगा, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ सी दे देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और ये जाएगा सन्डरी क्रेडिटर में। एस प्रेस कीजिए, यहाँ से सन्डरी क्रेडिटर ग्रुप चूज कर लीजिए। ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये हमने करा लिया एक्सेप्ट, तो ये लोकेश नाम से हमारा लेजर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ से परचेस वाउचर में ही रहना है। यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर हमने क्या दिया था, 1000, ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर है। ठीक है, और ये डेट है जिस डेट पे ये खरीदारी होगी। तो यहाँ से लोकेश सी ये चूज कर लिया हमने, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कोई भी स्टॉक आइटम जैसे कि कीबोर्ड है तो कीबोर्ड ही ले लेता हूं मैं, और यहाँ गोडाउन ऑप्शन मैंने चालू रखा है, आप चाहे तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिलहाल इसको चालू ही रखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे भटवलिया चौराहा देवरिया ये लोकेशन आ गई है। 50 कीबोर्ड हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कीमत आ गई यहाँ पे, एंटर प्रेस किया। अब इसको सेव कर लेते हैं, यहां से न्यू रेफरेंस, और इसको सेव कर लिया। आप चाहे तो रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हैं। यहां से वाई प्रेस करता हूं, ये प्रिंट होगा, देखते हैं इसका प्रिंट आता कैसे है। ठीक है, इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, और चूंकि इसका सप्लायर इनवॉइस नंबर जो था वो हमने 1000 दिया था रेफरेंस नंबर, तो ये 1000 के ही नाम से इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो इसको सेव कर लिया हमने डेस्कटॉप पे। अब इसका इसको ओपन करते हैं और इसका प्रिंट देखते हैं, इसका प्रिंट आया कैसे क्या। ठीक है, अगर पड़ा होगा तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं आया होगा तो उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे वो हम जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी सप्लायर इनवॉइस नंबर प्रिंट होकर नहीं आ रहा है, जबकि हमने जब इसका प्रिंट दिया था तो ये कुछ ऐसा था। ये देखिए, यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर आता था, मैं वो दिखा देता हूँ आपको, था ना, यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर हमने 1000 दिया था, वो 1000 प्रिंट होकर नहीं आ रहा है, जबकि हमने प्रिंट दिया था तो 1000 प्रिंट होकर आना चाहिए, लेकिन वो प्रिंट होकर नहीं आ रहा है। तो ये प्रिंट होकर कैसे आएगा, इसी की सेटिंग करने की बात करेंगे। तो यहाँ से पहले बाहर आ जाइए, और बाहर आने के बाद आ जाइए गेटवे ऑफ दिल्ली पर, यहाँ से F12 की प्रेस कीजिए। ठीक है, F12 की प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है प्रिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन पर, तो P प्रेस कर दीजिए। P प्रेस करने के बाद इस बार U प्रेस कर दीजिए, क्योंकि परचेज हम कर रहे हैं तो परचेज वाले में जाना है, तो फिर P प्रेस कर दीजिए। और P प्रेस करने के बाद यहाँ पर परचेज प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए प्रिंट वाउचर रेफरेंस, ये जो है नो है। अगर इसको मैं यस कर देता हूँ, वाई प्रेस करके एंटर प्रेस कर देता हूँ और कंट्रोल ए करके सेव कर देता हूँ, तो अगर अब हम प्रिंट देते हैं इसका, ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पे वही सेम कंपनी है, देख ही रहे हैं आप, यहाँ से एंटर प्रेस किया, अब यहाँ पर 7000 नंबर का सप्लायर इनवॉइस नंबर दे दिया। ठीक है, एंटर प्रेस किया, अब यहाँ पे हमने बनाया था लोकेश सी, तो लोकेश सी ले लिया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आ गए, यहाँ पे कीबोर्ड ही ले लेता हूँ वापिस से, 50 कीबोर्ड ही वापस से परचेज कर रहे हैं हम, और इसको एक्सेप्ट कराते हैं। एक्सेप्ट करने के साथ साथ ही ये प्रिंट भी होगा, तो ये एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब ये प्रिंट होने के लिए बोल रहा है, वाई प्रेस कर दीजिए और इसको सेव करना है आप, तो यहाँ से डेस्कटॉप पे जा करके, और यहाँ से डेस्कटॉप पे जा करके यहाँ पर सेव करते हैं इसको, 7000 इसी नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से डबल क्लिक करते हैं, ये जो प्रिंट आएगा कैसे आएगा उसको देख लेते हैं, क्या इस पर आएगा जो हमने डाला था। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ रहा है, देख लीजिए आप एक बार, इसके पहले जब हम प्रिंट कर रहे थे तो ये रेफरेंस नंबर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये जब एक्टिवेट कर लेंगे तो यहाँ से रेफरेंस नंबर आने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।